गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में पढ़ेंगे हमारी मैथ्स में एक्सरसाइज है 2D और 2E, है ना। पिछली बार भी मैंने आपको एक्सरसाइज 2 पढ़ाई थी, इसलिए पढ़ाई थी क्योंकि आपकी एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी छोटी छोटी है, इसलिए मैं आपको दो एक साथ करवा रही हूँ, है ना। राइट द नंबर डेट कम्स जस्ट बिफोर, बिफोर यानी होता है पहले, जैसे अब आपके जीरो है तो जीरो से पहले क्या आता है वन, सॉरी वन है तो वन से पहले क्या आता है जीरो, ठीक है। इसी तरह से टू, तो टू से पहले क्या हुआ वन, फिर थ्री, थ्री से पहले क्या हुआ टू। तो जब पहले पहले की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं बिफोर। अब फोर है तो फोर से पहले क्या आएगा थ्री, फाइव से पहले फोर, टू से पहले वन, और सिक्स से पहले फाइव, इन्हें सबको बोला जाता है बिफोर यानी पहले की। अब राइट द नंबर डेट कम्स इन बिटवीन, बीच की संख्या यानी थ्री और वन के बीच में क्या है टू, तो दो संख्याओं के बीच की संख्या को क्या कहा जाता है बिटवीन नंबर, यानी टू के बाद क्या आता है थ्री और फोर से पहले क्या आता है थ्री, यानी वन टू थ्री फोर। तो फोर से पहले क्या आया थ्री, टू के बाद क्या आया थ्री, तो इन दोनों की जो बीच की संख्या उसे क्या कहा जाता है बिटवीन नंबर। इसी तरह से फाइव के बाद सिक्स और सेवन से पहले भी सिक्स, सिक्स के बाद सेवन और एट से पहले भी सेवन आता है, इसी तरह सेवन के बाद एट, नाइन और जीरो से पहले। अब है राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर, अभी हमने बिफोर पढ़ा यानी पहले की संख्या, फिर बिटवीन पढ़ा बीच की संख्या, अब है आफ्टर यानी बाद की संख्या, यानी जीरो के बाद क्या आता है वन, वन के बाद आया टू, टू के बाद आया थ्री, जीरो के बाद वन, तो वन का आफ्टर क्या हुआ टू, और अभी बिफोर पूछा जाए टू का बिफोर क्या है तो वन, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं आफ्टर पढ़ रहे, तो वन के बाद क्या आएगा टू। इसी तरह से फोर के बाद फाइव, सिक्स के बाद सेवन, टू के बाद थ्री, सेवन के बाद एट, एट के बाद नाइन, जीरो के बाद वन, ये हमारे हो गए आफ्टर नंबर टू। ये तो हमारी एक्सरसाइज 2D कंप्लीट हो गई, अब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 2E। ऑब्जेक्ट एंड फिल इन द बॉक्सेस, आपको ये वाले सिंबल यूज करने हैं ना। अब मैं बता दूं ये जो सिंबल होता है ना, ये खुला मुखा किसकी तरफ रहता है बड़ी संख्या, है ना, बड़ी संख्या की तरफ जो होता है वो खुला मुंह रहता है, और छोटी ये बंद मुंह जो होता है ना फोन, ये रहता है छोटी संख्या की तरफ, ठीक है। अब आपको मैं दो डिजिट देती हूँ, उसमें से आप बताना कि कौन सा क्या रहता है। देखो आपको एक तरफ दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने पहले तो इनको आपको काउंट करना है, जो भी आपको पिक्चर दिए हैं उनको काउंट करना है, हमने काउंट करके लिख दिया 9, अब ये कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, अब 9 बाद में आता है और 7 पहले आता है, जो बाद में आता है वो बड़ी संख्या होती है, जो पहले आता है वो छोटी संख्या होती है, तो 9 क्या हो गया बाद में आता है बड़ा, बड़े की तरफ कौन सा लगेगा खुला मुंह लगता है ये, और छोटे की तरफ बंद। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2E कंप्लीट हो चुकी है, अब आप
मुझे सेंड करें। कल हम एक्सरसाइज 2F पढ़ेंगे।